हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ एक मंदिर दर्शन करने, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो उस मंदिर का नाम है खेरेश्वर धाम। तो आज हम लोग, संडे का दिन था, ये संडे का ही वीडियो है। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही थी बट आवाज़ बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आ रही थी, तो इस वजह से मैं बात नहीं कर पाई, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेरेश्वर मंदिर, चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक हनुमान जी का मंदिर रास्ते में ही हम लोगों को मिला। तो हस्बैंड बोले पहले दर्शन कर लेते हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी नहीं, लौटते में कर लेंगे, क्योंकि हमें खेरेश्वर मंदिर जाना था तो वो काफ़ी दूर था। तो इस वजह से मैंने कहा कि इधर रात हो जाएगी, वापस लौटते में उधर से, तो बाद में यहाँ दर्शन कर लेते हैं, पहले हम लोग मंदिर चलते हैं। पर देखिए हम लोग एक घाट पर आए हुए हैं, इस घाट का नाम है सरसैया घाट। तो यहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो यहाँ से गंगा नदी में नहा के और इसके बाद यहाँ से जल लेके खेरेश्वर मंदिर में जाया जाता है। तो खेरेश्वर मंदिर में शिव जी की शिवलिंग है, तो गंगा जी का जल वहाँ खेरेश्वर मंदिर में चढ़ता है जाके। तो बहुत से लोग यहाँ पर नहाने के बाद जल लेके और वहाँ शिव जी पे चढ़ाते हैं जाके। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जल लेकर ही शिव जी पर चढ़ाया जाए, कुछ लोग तो सीधे मंदिर ही चले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आई नहीं थी कभी, इस वजह से मैं यहाँ घाट देखने आई थी कि यहाँ कैसा घाट है, क्योंकि सब घाट अलग अलग होते हैं। बिठूर के घाट अलग हैं और ये घाट अलग है, लेकिन नदी तो वही है, गंगा जी वहाँ पर भी बह रही हैं और गंगा जी भी यहाँ पर भी हैं। तो ये देखिए, ये गंगा जी की नदी जो है ये काफ़ी दूर तक है, और यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। और गंगा नदी को पार करने के लिए यहाँ पर पुल भी बनाए जाते थे पहले, बट अब नहीं बनाए जाते हैं, तो लोहे के ड्रम के लगा के और उनको रस्सियों से बांध के बनाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मंदिर दो बने हुए हैं, शिव जी के ही मंदिर हैं ये भी, और ये कितने पुराने मंदिर हैं। यहाँ पर हम लोग यहीं देख रहे थे, और यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत हैं, बहुत अच्छा यहाँ का मौसम लग रहा था। और यहाँ पे ये साधु संत भी बैठे थे, ये लोग यहीं रहते हैं। ये देखिए ये घाट का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा था, इतने हरे पेड़ पौधे यहाँ पे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पर। ये देखिए कितनी दूर तक गंगा जी बह रही हैं। अभी हम लोग सरसैया घाट से वापस जा रहे हैं खेरेश्वर मंदिर दर्शन करने। यहाँ देखिए हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, ये है खेरेश्वर धाम। ये देखिए मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आज संडे था इस वजह से आज
देखिए ये है हमारे भोले बाबा का मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हर साल सावन के पूरे सावन के महीने पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये देखिए यहाँ